बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइस टुडे 293 के नाज़रीन को खुश आमदेद। हमारे इस चैनल में आपको गोल्ड, सिल्वर, करेंसी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में आगाह किया जाता है। अगर आप इन रेट्स से बाखबर रहना चाहते हैं तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की कारोबारी खबरों में आपको खबर देंगे पाकिस्तान के अंदर सोना, चांदी और डॉलर के ताज़ा तरीन रेट की। आज के डेट में सोना, चांदी और डॉलर का ताज़ा तरीन रेट क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सोने की। आज पाकिस्तान के अंदर फ़ी तोला सोने की कीमत में 4,900 रुपये की कमी वाकया हुई है, और इसके बाद फ़ी तोला सोने का नया रेट है 2,01,600 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,200 रुपये की कमी के बाद 10 ग्राम सोने का नया रेट है 1,72,850 रुपये। अभी बात करते हैं आलमी मंडी के अंदर सोने के ताज़ा तरीन रेट की। आज आलमी मंडी के अंदर फ़ी औंस सोने की कीमत में 13 डॉलर का इजाफा हुआ है। इसके बाद आलमी मार्केट के अंदर सोने की नई कीमत है 1,849 डॉलर फ़ी औंस। सोने की फ़ी तोला और 10 ग्राम और आलमी मार्केट में रेट के बाद अभी बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर डॉलर के ताज़ा तरीन रेट की। आज इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 6.63 रुपये की कमी वाकया हुई है, और इस कमी के बाद डॉलर का इंटर बैंक के अंदर नया रेट है 278.46 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में भी इसी तरह डॉलर की कदर में कमी के बाद ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का नया रेट है 282.50 रुपये। डॉलर की ओपन मार्केट में और इंटर बैंक के अंदर कीमत के बाद अभी बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर चांदी के ताज़ा तरीन रेट्स की। पाकिस्तान के अंदर आज फ़ी तोला चांदी की कीमत है 2,156 रुपये, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत है 1,851 रुपये। ये थे पाकिस्तान के अंदर सोना, चांदी और डॉलर के ताज़ा तरीन रेट्स। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। नई वीडियो में नए रेट्स और नई मालूमात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।